देखिए दोस्तों, ये आपके बच्चे हैं, पटाखा जला रहे हैं। और क्या कर पटाखा फोड़ रहे हैं? कौन कौन सा पटाखा लिए हैं? हैं कौन कौन सा पटाखा लिए हैं? फोड़े हैं कि नहीं? क्या नाम है आपका? और क्या है फोड़े का? कौन सा पटाखा लगाए? मुर्गा साहब का है। मुर्गा साहब देख लीजिए दोस्तों, जो बच्चे पटाखा जला रहे हैं पीछे आपका दिख रहा होगा। आपको देख रहा होगा, देख लीजिए। ये सब पहले के सब लोग हैं, अभी देखिए घाट पर फिर मिल गए हैं भैया लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है। इधर भी देख लीजिए, पीछे दिख रहा होगा, इधर 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 देख लीजिए। बच्चे आपका पटाखा जला रहे हैं पीछे, आपको इधर भी दिखा दे रहे हैं। और इधर और पटाखा जला ले, कौन पटाखा जला रहे हैं? और क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श। हैं आदर्श, क्या फोड़ रहे हो? पटाखा। पटाखा कितने पटाखा फोड़े हो? अभी बताओ, ये बताओ मेला कब जा रहे हो? अभी परसों जा रहे हो। देखिए ये पटाखा जला रहे थे, और पीछे मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए सब लोग आपके यहाँ उपस्थित हैं। और आपको पीछे से दृश्य दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए बच्चे पटाखा जला रहे हैं इधर भी। और आप जानते हैं क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य है, देखिए दोस्तों ये आदित्य है। और कैसे हैं? ठीक है। आए हैं कहाँ पर? यहाँ पर छठ पर मनाने के लिए, घूमने के लिए। मैं उससे बात कर ले रहा हूँ। और सर क्या हाल है? बढ़िया है। और इधर देख लीजिए, इधर भैया बैठे हैं। हम आपको दिखाए थे भैया वहाँ पर मिले थे चट्टी पर, दुकान पर, जो आपका ऐड कर रहे थे कौन जितना सामान ले रहा है। और उधर देख लीजिए महाराज जी हैं, और देख लीजिए सब लोग आपके उपस्थित हैं घाट पर। और ये बताइए कि छठ पर्व को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? और ये इस पोखरा का जो जो पोखरा है, कितने सालों से आप लोग आते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एक गांव के लोग नहीं आते हैं, लगभग 6 से 7 गांव के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। मैं यहाँ भैया से बात कर ले रहा हूँ। देखिए आज भैया बताइए, छठ पर्व आज है, कल से तो मेला चालू हो रहा है। और ये देखा जाए तो ना कहीं त्यौहार हम लोग को मिलने के लिए अवसर प्रदान करता है। उस तरह देखा जाए तो सब लोग नहीं मिल पाते हैं, तो जनरली अपने गांव में ही कोई मिल पाता है, या कोई बस सड़क में मिल गया, ऐसा कुछ होता है। पर त्यौहार एक ऐसा होता है जो आपका मिलने का एक अवसर प्रदान करता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि और मेला की देखा जाए तो अगली बार मेला नहीं लगेगा कोविड की वजह से।
अच्छी बात है। और उधर महाराज जी हैं, भैया ना ले रहा हूँ। और महाराज जी ठीक है ना, बढ़िया है और तबीयत भी बढ़िया है ना। हाँ ये देखिए महाराज जी हैं आपका, यहाँ जहाँ पोखरा है इनका बगल में ट्यूबवेल है और यहाँ पर रहते हैं और ये यहाँ पर अपना देखभाल करते हैं खेती का और थोड़ा जो भी रहता है। और पीछे समय दिखा दे रहा हूँ, दिख रहा होगा आपका पोखरा है और पीछे हनुमान जी को देखा जाए। इधर देख लीजिए दोस्तों, ये आपका हनुमान जी है, हनुमान जी का आपका यहाँ पर बाबा जी पूजा करते हैं। और यहाँ पर ये बनाए हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हम लोग में अच्छी बात होती है। और उधर भी देख लीजिए सब लोग हैं, मैं उनसे बात कर ले रहा हूँ। और ये देखिए ये दिव्यांशु है, दिव्यांशु कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। और कब आए? दो तारीख को आए। देखिए दिव्यांशु हैं ये, इनको सब फ्रेंड है सब लोग। देखिए कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और पढ़ाई बढ़िया चल रही है? चलिए ठीक है, बढ़िया है। और तो देख लीजिए सब लोग आपकी जितने युवा हैं सब लोग इस पोखरा पर इकट्ठा हुए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। और पीछे आपके इधर में पोखरा का और लोकेशन दिखा दे, इधर देख लीजिए पीछे चारों तरफ पोखरा के चारों तरफ आपके लोग सब लोग अपना घूम रहे हैं और देख रहे हैं। इधर देख लीजिए आपका पूरा रखा हुआ है और इधर भी पीछे खेत है, आपका चारों तरफ खेत है और बगल में आपका और हाय कर दीजिए। देख लीजिए सब पूरे आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? रौनक। ये क्या लिए है, पटाखा लिया? ये देख लीजिए दोस्तों, ये कौन सा मुर्गा छाप है कि कौन सा है? ये मगर छाप है। और दिवाली मना लिए बढ़िया से? शेष बचा था उसका बोल रहे हैं कि न्यू खोले हैं पैकेट? और बढ़िया है। चलिए दोस्तों मैं आगे चल रहा हूँ, आगे मैं दिखाऊंगा। और देखिए दोस्तों ये विशाल हैं, भैया के लड़के हैं और इनके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, आए हुए हैं घूमने के लिए। और कैसे हाउ आर यू? ठीक है, बढ़िया है। किस क्लास में आप लोग पढ़ते हैं? 9th। सभी 9th में हैं। मेला कब जा रहे हैं आप लोग? परसों जा रहे हैं। और बताइए मेला में जाएंगे किसको बैठने का आपकी इच्छा है? झूला कौन सा प्रकार? उसमें ब्रेक डांस है, चरखी है, बड़ा वाला? डर नहीं लगेगा? नहीं, हमको भी डर लगता है यार, मैं भी कभी नहीं बैठा। इस बार टिकट कितने की उम्मीद है? 50 रुपये की उम्मीद है, इस बार 50 रुपये का टिकट लगेगा। ठीक है, हाय कर दीजिए। देख लीजिए सब लोग, देखिए दोस्तों मिलिए, ये पप्पू हैं, ये हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ पढ़े हैं। और इधर सूरज हैं, ये हम लोग स्कूल टाइम में नेताजी करते थे क्योंकि नेता की आवाज़ निकाल लेते थे, ठीक है ना। और दोस्तों खासकर इनको कोई भाषण स्पीच देना होता था तो उसमें इनको हमारे यहाँ के जो प्रबंधक थे वो आपका खड़ा कराते थे कि ये नेता के लिए अच्छे हैं। और इनका पूछना नहीं है, मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, भाग्यशाली समझ रहा हूँ क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं, ऐसी हस्ती है कि जो आपका बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। और देख लीजिए मैं कहीं ना कहीं नहीं मजाक नहीं उठा रहा हूँ आपका। और क्या कहना चाहेंगे इस छठ पर्व को लेकर के बताइए? और सुरभान जी हैं, ये देख लीजिए ये भी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं। कई बार भैया कुछ ना, तबीयत सही ना। इधर आइए। और सूरज, और ठीक है तबीयत बढ़िया है ना? ये बताइए इधर भी, ये आपका दिख रहा होगा सब बच्चे पटाखे जला रहे हैं। और आप जानते हैं कि यही त्यौहार होता है पटाखे फोड़ना। और ये सभी बच्चे हैं देख लीजिए, आप जानते हैं अगरबत्ती ले लेते हैं बच्चे और वो मुर्गा छाप या मगर छाप को जलाते रहते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है देख करके। और ये सभी बच्चे हैं यहाँ पर, क्या होगा और आइए आइए। ये बताइए आपका क्या नाम है? अनुज कुमार है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। और ये आपका क्या नाम है? सुदीप। और आपका? अंकुश। क्या पटाखा जला रहे हैं आप लोग? कौन सा पटाखा लिए हैं? मगर छाप।
मगर छाप लिए हैं। और आपका क्या नाम है? रिशु। और आपका? चेक। देख लीजिए दोस्तों, सभी ये बच्चे हैं और ये पटाखा जला रहे हैं। और क्या ये अगरबत्ती लिए हैं? वहाँ दूर पर फोड़िए दोस्तों। ये बच्चे हैं, ये हाथ में लेकर एक बच्चा फोड़ रहा है, ये डरते नहीं बच्चे। और ये सभी बच्चे हैं, देख लीजिए। ये बताइए मेला जाना है? मेला जाना है? ये बताइए, बैठ जाइए, खड़े रहिए, खड़े रहिए। ये बताइए मेला में जाकर क्या आप लोग खरीदेंगे? गाड़ी खरीदेंगे। कौन सा कौन सा गाड़ी खरीदेंगे? जस्मी। और झूला बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। किस झूला बैठोगे? ये देख लीजिए दोस्तों, सब बच्चे पटाखा जला रहे हैं। और हमने बातें की हैं उनसे, ये कल दोस्तों मेला है और सभी बच्चे आपके जाते हैं मेला में। और ये झूला झूलना हो या कोई चीज़ हो, कहीं ना कहीं बच्चों को एक झूला को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं जाने के लिए। और ठीक है, हाय कर दीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके जो वेदी बनी है, यहाँ पर जो लोग आए थे वो लोग अब घर जा चुके हैं, आप जानते हैं। शाम को दिख रहा होगा इधर भी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।